हेलो दोस्तों, इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और आज हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप जो है कि नीचे कमेंट बॉक्स आपका दिया हुआ है उसमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। इसमें आपको फाइंड करना है एक्स वाई तथा जेड का क्या मान, यानी कि x, y और z का मान फाइंड करना है। तो x, y और z का मान फाइंड करने के लिए इसमें आपके दो दो आवयव दिए गए हैं। दोनों आवयवों का हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। दोनों आवयवों का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे आवयवों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आवयवों के अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है। आवयवों के अवयवों की यदि हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए, इसका पहला अवयव 4 है तो इसका पहला अवयव क्या है, वाई, यानी कि वाई बराबर कितना मिला, 4। वाई बराबर कितना मिला है, वाई बराबर आपका 4, ठीक है। इसमें दूसरा अवयव 3 है तो इसका दूसरा अवयव जेड है, यानी कि जेड बराबर कितना मिला, 3। इसमें तीसरा अवयव एक्स है तो इसका तीसरा अवयव 1 है, यानी कि एक्स बराबर क्या, 1। ये आपका रहा है एक्स और वाई का क्या, एक्स वाई और क्या जेड का मान। चलिए अब आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका देखते हैं। तो एक्स बराबर 1 फाइंड हुआ, वाई बराबर 4 और जेड बराबर क्या, 3, ठीक है। चलिए अब दूसरे में देखते हैं। इसमें आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 3 प्रश्न हैं, तो हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे 2 को और अगले वीडियो में सिखाया जाएगा आपको 3 का। अगले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें भी तुलना करेंगे आपका दूसरा, तो तुलना करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना मिले। देखिए इसका पहला अवयव एक्स प्लस वाई है लेकिन इसका क्या है, 6। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 6, ठीक है। तो इससे हम लोग यदि मान निकालते हैं y का तो आपको y बराबर कितना हो जाएगा, 6। इधर x है, इधर आएगा तो माइनस एक्स, यानी कि समीकरण नंबर कितना, 1, ठीक है। चलिए अब दूसरा तुलना की करते हैं। ये 2 है, 2 बराबर 2, इसका तुलना होगा नहीं तो 5 प्लस जेड। चलिए इसमें देखिए 5 प्लस जेड बराबर कितना मिला, 5 मिला। तो जेड बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5। इधर माइनस प्लस है, इधर चलेगा तो माइनस, यानी कि जेड बराबर कितना आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, यक्स वाई बराबर आपका कितना है। देखिए यक्स तीसरा है, चौथा है, यक्स वाई बराबर कितना, 8, ठीक है। चलिए इससे मान निकालिए, इससे मान निकाल लीजिए एक्स का, या इसी में इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 2 में हम लोग जो है कि वाई का मान यदि रखते हैं तो किसका मान निकल जाएगा, एक्स का। लिखेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 6 माइनस x रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है x कोष्टक में y का मान, y है, y का मान कितना है, 6 माइनस x, क्योंकि समीकरण 2 में रखना है y का मान तो y की जगह पर रखेंगे। इक्वल टू कितना, 8, गुणा कर दीजिए, यह हो जाएगा 6x माइनस x स्क्वायर बराबर कितना, 8, ठीक है। चलिए इसको इधर ला दीजिए, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर कितना, 0। अब माइनस गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस क्या, प्लस 8 बराबर कितना, 0। गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है ये आपका प्लस 8 बराबर कितना, 0। और देखिए पहले पद को वैसे उतार देंगे, लास्ट वाले को, बीच वाले को दो खंडों में तोड़ना है। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखिए इसका माइनस है, अब यहाँ पर प्लस है, तो ये वाला देखिए इस वाले मान चिन्ह को देखिएगा, ये वाला जो चिन्ह होगा ये भी चिन्ह वही चाहिए, तो यह माइनस है तो प्लस को भी, यानी कि इसको भी माइनस करने के लिए माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बीच वाला चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो दो अंक ऐसे बताइए जिनका गुणा करने पर 8 हो जाए, जोड़ देने पर 6, यानी कि 4x और क्या हो जाएगा, 2x, दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमन, तो आपका इसमें हो जाएगा x, तो आपका हो जाएगा x माइनस कितना, 4, दूसरे में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा माइनस 2, तो x माइनस क्या, 4 बराबर 0।
ये आपका हो जाएगा x माइनस फोर एक क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन में x माइनस क्या टू बराबर कितना जीरो, एक हो जाएगा x माइनस, दूसरा आप निकालेंगे तो x यदि ऐसे लिखेंगे, यदि x माइनस फोर बराबर कितना हो जीरो तो x बराबर कितना चार, दूसरा लीजिए x माइनस टू बराबर जीरो हो तो x बराबर कितना दो। जब x के दो मान आ गए तो y के भी कितने मान आएंगे दो मान आएंगे, ठीक है। चलिए वहाँ पर आपका हो गया, चलिए y का मान निकालते हैं यहाँ से, इसको उतार लीजिए आप। अब जो x का वैल्यू फाइंड हुआ है, x का वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर पहले कितना चार तथा x बराबर क्या दो रखने पर, यानी कि x का मान एक बार चार पे निकालेंगे और x सॉरी y का मान एक बार चार पर निकालेंगे और एक बार किस पे दो पे। चलिए समीकरण एक में रखेंगे तो पहला क्या है y बराबर छः माइनस क्या है x, कितने पर निकाल रहे हैं x बराबर कितने पर निकालना है चार पे, तो y बराबर हो जाएगा छः माइनस क्या चार, तो y बराबर कितना हुआ दो, एक निकला। चलो पुनः निकालते हैं y बराबर छः माइनस एक्स, अब कितने पर x बराबर दो पर, तो y बराबर अब बराबर हो जाएगा छः माइनस एक्स का वैल्यू दो, यानी कि y बराबर कितना चार, ठीक है। ये आपका आंसर क्या क्या हो जाएगा, आंसर देखते हैं। आंसर आपके हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा दो और चार हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा दो और चार हो जाएगा, और z बराबर कितना जीरो, ठीक है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं हमेशा ऐसा लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अब छठवें क्वेश्चन नंबर छः के जो है, छठवें के जो है कि तीसरा हम लोग देखेंगे, इसमें का भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम लोग तीसरे को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर छः का जो है कि तीसरा।